20 सितंबर साल 2006 को एक असाधारण घटना हुई थी। दुनिया के एक वर्ग के लिए ये एक असाधारण घटना ही थी। दरअसल इसी दिन बगदाद के कसाई यानी तानाशाह सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकाया गया था, लेकिन इराक को सद्दाम हुसैन से आजादी 3.5 साल पहले ही मिल गई थी। साल 2023 और तारीख थी 9 अप्रैल। इस दिन अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और सद्दाम हुसैन की सरकार को गिरा दी। सद्दाम की मौत के बाद हजारों की तादाद में लोग राजधानी बगदाद के फिरदौस चौराहे पर इकट्ठा हुए और सद्दाम की मूर्ति को गिरा दिया। मूर्ति गिराने के बाद भी लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सद्दाम की मूर्ति चौराहे पर गिरी हुई थी और लोग उस पर चप्पल मार रहे थे और पत्थरबाजी कर रहे थे, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। हालांकि आज भी उनके देश में कई हजारों लोग सद्दाम हुसैन को मानते हैं। सद्दाम हुसैन के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि वो जिस महीने में पैदा हुए उस महीने में वो मरा भी। 28 अप्रैल साल 1937 को ईरान के तिकरित गांव में पैदा लेने वाले सद्दाम हुसैन उसके चाचा ने पाला। 20 साल की उम्र में राजनीति में आया और इराक में क्रांतिकारी की पहचान बनाई। साल 1969 में पहली बार सद्दाम हुसैन ने राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली। बता दे, सद्दाम हुसैन 20 सालों तक ईरान का राष्ट्रपति रहा। इस दौरान उसने बड़े पैमाने पर कत्लेआम मचाया। कहा जाता है कि अपने कार्यकाल में उसने जब चुनाव कराए तो अकेला लड़ा और 100% वोटों से जीता, इसीलिए उसको तानाशाह कहा जाता है। सद्दाम हुसैन ने अपने कार्यकाल के दौरान अपने कई राजनीतिक विरोधियों को मौत की नींद सुला दी। सद्दाम को कसाई भी कहा जाता है क्योंकि साल 1991 में उसने 1,80,000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। साल 1995 में अमेरिकी एजेंसी CIA ने तख्ता पलट करने की कोशिशों के बीच सद्दाम हुसैन की हत्या करने की कोशिश भी की थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर इराक को परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियारों को नष्ट करने का आदेश दिया था क्योंकि इनसे दुनिया को बड़ा खतरा था, लेकिन इराक ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर इराक पर हमला किया। साल 2003 में जब अमेरिका ने हमले किए तो उसके टारगेट पर सद्दाम हुसैन था, लेकिन वो हमले के दौरान फरार हो गया। अमेरिकी सेना ने सद्दाम की तलाश शुरू की। 8 महीने बाद दिसंबर में वो अपने गृहनगर तिकरित के बाहर एक फार्म हाउस के पास बंकर में छिपा मिला। साल 2006 में कोर्ट ने सद्दाम को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया और उसको सजाए मौत दे दी गई।